अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए बनाएंगे मज़ेदार सा मटन स्टू। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे चटखारे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं, डिलीशियस मज़ेदार से मटन स्टू की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मटन ले लिया है मैंने 1 kg, और अच्छी तरह से इसको धो के साफ़ कर लिया है। तो मैं मटन स्टू बनाऊंगी कुकर में, जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। और आप चाहो तो पतीली में भी बना सकते हो, लेकिन कुकर में ज़रा झटपट बन के ये तैयार हो जाता है और मटन अच्छी तरह से गल भी जाएगा। तो देखिए, इस मटन डालने के बाद मैं यहाँ डाल दिया मैंने नमक, 1 चम्मच डाला है मैंने, 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, थोड़ा गुंजाइश रखेंगे तो बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो जितना मैंने मटन लिया है, वो तकरीबन 1 किलो के आसपास मैंने यहाँ प्याज भी ली थी, और प्याज को रफली चॉप करके इसी तरीके से डाल देना है। 2 इंच का एक पीस अदरक का लिया था, उसको बारीक चॉप कर दिया था। लहसुन डाले हैं मैंने यहाँ पर, एक बड़े साइज़ का लहसुन की डली थी, वो पूरा छील के डाल दिया। सारे साबुत खड़े मसाले जाते हैं इसमें। ज़ीरा डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कूटी हुई सौंफ, ये गर्म मसाले हैं। दालचीनी की लकड़ी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, थोड़ा सा पीस लिया मैंने जायफल का 1/4, और 4 से 5 सूखी मिर्च ली है। सारे ही मसाले इसमें साबुत डालेंगे, खड़े मिर्च के एक दो दो पीस कर देंगे इसके, और सारे मसालों को इसी तरीके से डाल देना है। खड़े मसाले का गोश्त भी कहते हैं इसको, और मटन स्टू भी, मटन या बीफ में भी इसको आप बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं स्टू। 1/2 कप डाल देंगे इसमें दही, तेज़पत्ता भी डाल दिया है, और दही 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। 1/2 कप मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, ऑयल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से। 1/4 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर डालूंगी मैं, और 1 टमाटर डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। सारे मसाले, प्याज सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह से चला देंगे, मिक्स करेंगे। इस कुकर की लिड लगाएंगे और इसको रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और 1 से 2 प्रेशर ले लेंगे इसमें। 2 प्रेशर के बाद हमें इसको लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे इसको। उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। जब गैस ऑफ कर देंगे, प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाएगा, चेक कर लेंगे इसको। तो ये देखिए, इधर अच्छी तरह से पक चुका है, प्याज वगैरह सब गल चुकी है अच्छा से। बस अब इसमें मटन का, दही का और प्याज का ही पानी है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला जाता जब स्टू बनाते हैं। इसी पानी में ही मटन गल के तैयार हो जाता है। तो अब हाई फ्लेम करेंगे, गैस जला के इसको हाई फ्लेम पे ही आपको भूनना है, लो फ्लेम या मीडियम पे नहीं रखना है। लगातार चलाते हुए प्याज अच्छी तरह से मैश हो जाए और सारे मसाले अच्छे से भुन जाए, ऑयल रिलीज हो जाए, तब तक हमें इसको अच्छी तरह भुनाई कर लेना है। मटन को आपको इतना गलाना है कि भूनने के लिए जब भूनेंगे तो मटन टूटे ना, इतनी कसर रह जाए मटन में कि मटन की अच्छी तरह से आप भुनाई कर सकें। तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। हरा धनिया, हरी मिर्च डालने के बाद वापस से इसको मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है चलाते हुए। देखिए इस तरह का अच्छी तरह से ऑयल जो है रिलीज हो चुका है, मसाले से एकदम अलग हो गया है ऑयल, और बहुत अच्छी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। बस ये भुन के हो गया है तैयार। अब बस गैस को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट कर देंगे। तो ये लीजिए, मज़ेदार सा मटन स्टू तैयार हो गया है। मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर अदरक काट के डाल दी थी बारीक चॉप करके, हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, और इसको सर्व करें रोटी या फिर पराठे के साथ, या फिर चपाती के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगता है, चावल के साथ भी अच्छा लगता है। तो आपको रेसिपी कैसी अच्छी कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़।